चेयरमैन कश्मीर कमेटी फखर इमाम कहते हैं 5 अगस्त को मोदी सरकार ने एकतरफा इकदाम किया। भारत मकबूजा कश्मीर में गैर मुस्लिमों को आबाद करके मुसलमानों को अकलियत में बदलना चाहता है। भारत में मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अमन से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। मोदी खित्ते के अमन को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। एज एन इक्वल सॉवरन स्टेट शायद तस्वर करना पसंद नहीं करते। अब आपने देखा कि 5 अगस्त को जब एक इलीगल और ऐसा उन्होंने यूनिलैटरल एक्शन करके कश्मीर को एक सबॉर्डिनेट स्टेट बना दिया, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, और हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसे और इकदाम किए हैं कि जिसके तहत जब आर्टिकल 35A ख़त्म हो गया, अब वो उनकी एक ख्वाहिश है इंडियन गवर्नमेंट की, और वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो गैर कश्मीरी ख़ास तौर पे हिंदू हैं वो जाकर और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जायदादें खरीदें, असासे हासिल करें, और वहाँ वो अपने अपने लोगों को बसाना चाहते हैं कि जो एक अक्सरियत है भी और हमेशा रही है 80 से 85% मुसलमान इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, उनकी एक कोशिश रही है कि उसको किसी तरह वो डाइल्यूट करें और गैर मुसलमानों को वहाँ लाकर आबाद करें। ये उन्होंने इसी जहन के तहत उन्होंने आर्टिकल 35A को ख़त्म किया था। आर्टिकल 35A के तहत कश्मीरियों की डेफिनेशन थी, उसकी डोमिसाइल की डेफिनेशन थी।